संयोजकता निकालने का एकदम आसान तरीका, आसान ट्रिक मैं बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप चुटकियों में क्या सेकेंडों में आप संयोजकता निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एकदम सिंपल तरीका, आप संयोजकता निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, 1s2 2s2 ऐसे, लेकिन नहीं, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए बिना सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। देखो, इसकी संयोजकता जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का एक छोटा सा ट्रिक आपको जानना है कि किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना हो तो 2 8 8 18 32 के रूप में करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस रूप में? 2 8 8 18 32 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं, अगर किसी का परमाणु संख्या 10 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन भरने का काम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 10 में से 2 भर दिए, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 8। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 आ गए। अब आपको पता होना चाहिए कि जिस कक्षा के अंत में, यानी समझिए, हाई बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी जो इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है वही वैलेंसी कहलाता है, लेकिन वहां पर कुछ शर्त होते हैं, उस शर्त को समझिए। देखिए, अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक, अभी मैं आपको संयोजकता नहीं निकाल रहा हूं, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है, जैसे कैल्शियम की होती है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 के बाद कितना भरेंगे? 8 भरेंगे, 8 के बाद फिर कितना भर देंगे? 8 भरेंगे, तो कितना हो गया? 8 8 16 2 कितना हो गया? 18। तो बच कितना गया? 2। इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2। तो इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए, 2 8 8 18, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी की परमाणु संख्या 13 है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 के बाद कितना भरेंगे? 8 भरेंगे, कितना बचा? 2 8 10, और 13 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा? 3 हो जाएगा। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप में करने आना चाहिए, सिंपली 2 8 8 18 32। सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 के बाद संभव होगा तो 8 भरेंगे, 8 के बाद संभव होगा तो फिर 8 भरेंगे, और उसके बाद नहीं संभव होगा तो 18 भरने का काम करेंगे। तो 2 8 8 18 32 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, जब करने आ जाए तब देखिए, तब उसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को देखना। मान लीजिए अगर बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे देखो, यहाँ पर 20 है, इसकी संयोजकता 2 आ गई अंत में, तो इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब है कि 20 जिसकी परमाणु संख्या होता है उसकी संयोजकता 2 होगी। लेकिन जिसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 5 6 7 8 आ जा रही है, तो वहां पर आंख मूंद कर बोलेंगे, वहां पर संयोजकता निकालने के लिए इन सभी को 8 से घटा देते हैं। किससे घटाएंगे? 8 से। मान लीजिए यहां पर 10 का 8 आ गया तो 8 में से 8 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर जैसे मान लीजिए किसी का बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि जब किसी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18 32 के रूप में कर रहे हैं, उसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 4 आ रही है तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी, लेकिन 5 6 7 8 आ रही है तो उसको 8 में 60 घटा देंगे, यानी 8 उन सभी में से 6 7 8 5 6 7 8 इन सभी को 8 से घटाकर संयोजकता निकालते हैं। चलिए, अब एक ही तत्व को मैं करके दिखा रहा हूं कैसे संयोजकता निकालना है, बहुत सिंपल है, समझे, बहुत सिंपल है, और ये तो आपको छोटे बच्चे से सिखाया जाता है कि इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। देखिए बाबू, सबसे पहली बात समझिए कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसकी संयोजकता भी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है ना। अब रही बात हीलियम, तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है और इसकी संयोजकता भी कितनी होती है? 2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि सोचिए, हीलियम के पास 2 परमाणु होते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने आएंगे? 2 ही तो आएंगे, क्योंकि पहली कक्षा को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 1 1 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण से हाइड्रोजन का संयोजकता 1 और हीलियम का संयोजकता कितना हो गया? 2 हो गया। अब लिथियम की बात करते हैं, परमाणु संख्या 3 होता है, तो 3 होता है तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहली कक्षा में, तो 3 को से 2 को भर दिए, कितना बच गया? 1 बच गया। इसका मतलब है कि इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी, और लिथियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब आते हैं बेरिलियम की बात करते हैं, तो इसकी परमाणु संख्या 4 होती है, तो सबसे पहली कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 4 में से 2 भर दिए, अब कितना बच गया? शेष 2 बच गया। तो बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखो बोरॉन की परमाणु संख्या कितना है बाबू? 5 है, तो सबसे पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो 5 में से 2 तो भर दिए तो कितना बच गया? 3 बच गया। तो बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसका मतलब बोरॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब देखो कार्बन की बात करते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6 है, तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो बचा कितना है? 6 है, तो 2 भर दिए तो कितना
बचे, चार बचा, तो चार बाह्यतम कक्ष में आ गया। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, चार, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, चार हो गई। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन के पास सात इलेक्ट्रॉन, सात नाइट्रोजन की परमाणु संख्या सात होती है, तो सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, दो इलेक्ट्रॉन भरने, तो कितना बच गया बाहरी कक्ष में, पांच इलेक्ट्रॉन बच गए। तो बताए थे बाह्यतम कक्ष में पांच, छह, सात, आठ है, तो उनको आठ से घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर संयोजकता पांच नहीं होगा, इसको आठ में से घटाएंगे, आठ घटाए पांच, यानी बच जाएगा तीन, यानी नाइट्रोजन की जो संयोजकताएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी बाबू, नाइट्रोजन की संयोजकता तीन हो जाएंगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर पांच आ गया, तो मैंने शर्त रखा पांच छह सात आठ आएगा, अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पांच छह सात आठ, तो इन सभी को आठ से घटाने पड़ेंगे, यानी तो एक दो तीन चार आ रहे हैं, तो वही उसकी संयोजकता हो जाती है, ठीक है ना। एक एक का करके दिखाओ, ध्यान से समझिएगा, इससे सिंपल तरीका कोई आपको नहीं बताएगा। जैसे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आठ है, तो बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले पहली कक्षा में कितना, दो इलेक्ट्रॉन, तो सोचिए आठ को में से दो को भर दिया, कितना बच गया, छह, तो बाह्यतम कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, छह, तो छह संयोजकता नहीं होगा, इसको आठ से घटाना पड़ेगा, तो आठ घटावे छह, कितना निकल जाएगा बाबू, दो निकल जाएगा, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, दो हो गई। अब देखो आगे बात करते हैं फ्लोरीन की, इसकी परमाणु संख्या नौ है, तो पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितना बच जाएगा, सात बच जाएगा, यानी बाह्यतम कक्ष में सात बच गया, तो इसको भी आठ से घटा देंगे, जितना भी पांच छह सात आठ आएगा ना, तो उसको आठ से घटाना होगा, तो कितना निकल जाएगा, एक, यानी प्रोटीन की संयोजकता कितनी आ गई, एक हो गई। अब नियोन की अगर निकालना तो परमाणु संख्या दस होता है, तो पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे बचा आठ, तो दूसरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पांच छह सात आठ आएंगे, तो उसको आठ से घटा देना है, तो ये बाह्यतम कक्ष में ही ना इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, ठीक है ना, तो आठ में से इसको आठ घटा देंगे, कितना निकल जाएगा, जीरो, यानी नियोन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर सोडियम का करना, इसको मैं मिटका देता हूं, बस आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बाबू आपको ये शर्त याद होनी चाहिए, दो आठ आठ अठारह बत्तीस, यानी सबसे पहली कक्षा को दो इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद आठ इलेक्ट्रॉन देंगे, संभव तो फिर आठ देंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम का देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या ग्यारह होती है, तो सबसे पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर देना है, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ग्यारह होता है, तो अभी संभव है कि इसको आठ गो और दे सकता है, दो आठ कितना होगा, दस, अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, मात्र एक बच गया, क्योंकि सोडियम की, सोडियम के पास ग्यारह इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम की परमाणु संख्या ग्यारह है, इसका मतलब सोडियम के पास कितना, ग्यारह परमाणु, तो दो गो दे दिए, फिर आठ गो दे दिया, बचा एक गो, तो यही बाह्यतम कक्ष में इसका कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, एक, यानी सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। उसी प्रकार से मैग्नेशियम की बात करते हैं, तो पहली कक्षा को कितना, दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा को आठ, ठीक है ना, तो दो आठ दस हो गया, जबकि बारह गो है, तो बाह्यतम कक्ष में कितना बच गया, दो बच गया, तो बाह्यतम कक्ष में दो बच गया, तो ये इसकी क्या हो गई, संयोजकता हो गई। याद रखिएगा बाबू कि जब इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस टाइप से कर रहे हैं, तो उसके बाह्यतम कक्ष में एक दो तीन चार आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी, लेकिन पांच छह सात आठ आ रहे हैं, तो उनको आठ से घटाकर संयोजकता निकालना होता है। जैसे एल्युमिनियम का तेरह है, तो बाह्यतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्ष में, सॉरी, दो, पहली कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्ष में आठ इलेक्ट्रॉन, तो तेरह हुआ, तो दो आठ दस, कितना बचेगा, तीन गो, तो बाह्यतम कक्ष में तीन गो आ गया, मतलब एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी आ गई, तीन गो आ गई। जैसे सिलिकॉन की बात करते हैं, तो दो आठ, पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन, तो सोचिए बचा कितना, चौदह हुआ, तो दस को ये क्लियर हो गया, चार बच गया, तो सोचिए सिलिकॉन, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो गई, चार, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे ही फास्फोरस की बात करते हैं, तो दो आठ, क्या होगा, दो आठ, बच्चे कितने, पांच इलेक्ट्रॉन, तो आप सोचेंगे बाहरी कक्षा में पांच है, तो पांच इसकी संयोजकता हो जाएगी, नहीं बाबू पांच नहीं होगी, पांच को आठ से घटाएंगे, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, फास्फोरस की संयोजकता तीन। अब सल्फर की बात करते हैं, तो दो आठ कितना होगा, सल्फर का संयोजकता, सॉरी सल्फर का परमाणु संख्या सोलह होता है, तो दो आठ भर दिए, पहली दूसरी कक्षा भर दिए, कितना इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, छह इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि सोलह होता है, तो ये बाह्यतम कक्ष में छह इलेक्ट्रॉन बचा है, तो छह संयोजकता नहीं होगी, इन सभी को आठ से घटा आने पड़ेंगे, तो कितना बच जाएगा, दो बच जाएगा। अरे छोटा से छोटा बच्चा इस तरीके से समझ सकता है, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन का देखिए परमाणु संख्या कितना है, सत्रह है, ठीक है ना, तो पहले दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर आठ जाएगा, ठीक है ना, पहली कक्षा में दो, दूसरी कक्षा में कितना, आठ इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आठ और दस हो गया, जबकि कितना परमाणु आपके पास, सत्रह है, तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, सात, तो क्या सात इसकी संयोजकता हो जाएगा, नहीं, इसको घटाएंगे, आठ में से सात घटाएंगे, एक बचेगा। ऐसे ही अगर ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गन की बात करते हैं, तो बाह्यतम कक्ष में पहली कक्ष में दो, दूसरी कक्ष में आठ, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, आठ बचा है, क्यों, क्योंकि अठारह है, तो दो आठ दस, फिर क्या, आठ जाएगा अठारह, तो बाह्यतम कक्ष में आठ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस आठ को आठ से घटाएंगे तब जाकर होगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर पोटेशियम की बात करते हैं बाबू, तो सोचिए
पोटेशियम की प्रॉब्लम संख्या कितना है 19 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 2 8 10 हो गया, अभी 8 को और देंगे क्योंकि तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 2 8 8 कितना हो गया 8 8 16 2 कितना हो गया 18, तो 19 जबकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक परमाणु है तो 2 8 8 18 हो गया, तो बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेशियम का जो संजकता होगी वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम के बाह्यतम कक्ष में कितना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन और बचा कितना 2 8 8 का मतलब 18 हो गया, अब 20 है तो बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कैल्शियम की संजकता कितनी हो गई 2 हो गई। तो 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संजकता मैंने किस टाइप से निकाल दिया, बहुत सिंपल और बहुत नॉर्मल तरीके से मैंने क्या किया इसको निकालने का काम किया। अगर आप आगे का भी चाहते हैं ना तो सब निकाल सकते हैं, आगे का एकदम आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से रगड़ कर आप क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आगे का आपको स्कैंडियम दिया है, ठीक है, 21 नंबर कोई भी तत्व आसानी से स्कैंडियम आपको दिया है, बाबू स्कैंडियम दिया है, इसकी परमाणु संख्या 21 होती है, तो उस टाइप से करेंगे 2 8 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, देखिए 2 8 10 10 18 18 3 21 हो गया, ठीक है ना, बाह्यतम कक्ष में 3 आ रहा है तो इसकी संजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कोई भी तत्व उठा लीजिए, कोई भी तत्व उठा लीजिए, मान लीजिए जिंक की परमाणु संख्या आपका कितना है 30 है, ठीक है ना, जिंक की परमाणु संख्या कितना है 30 है, तो जिंक का आप क्या करें 2 8 8 18 को ब्रेक कर दीजिए, क्लियरली आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। मेरे कहने का सीधा सा ये मतलब है बाबू कि किसी भी तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक सॉरी किसी भी तत्व की संजकता निकालनी है, बस याद रखना है रूल, दो ब्रेक करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18 32 इस रूप में ब्रेक करिए और उसके बाह्यतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उस इलेक्ट्रॉन को देखना है कि 1 2 3 4 होगा तो वही उसकी संजकता हो जाएगी, लेकिन 4 से अधिक 5 6 7 8 है तो उसको 8 से घटाना पड़ेगा, वो उसकी संजकता हो जाएगी घटाकर, ठीक है ना। तो कोई भी तत्व होगा, किसी भी तत्व का अगर संजकता निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले बाह्यतम कक्ष में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथी में 18 और पांचवी में कितना 32 इलेक्ट्रॉन देना, उस आधार पर आपको देखना है, ठीक है ना। और जो बचेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बाह्यतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा वही उसकी संजकता हो जाएगी, बशर्ते शर्त यह है कि अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो वही इसकी संजकता होगी, लेकिन 4 से अधिक 5 6 7 8 बचे हैं तो इनको 8 से घटाकर निकालेंगे वही उसकी संजकता निकल जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि ये तरीका सबसे सिंपल तरीका आपको लगा होगा। देखो कैसे बाबू, सोचिए मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 2p6 इस रूप में एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, उस वहां भी मैंने सिंपली समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन जिन बच्चों के ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा था वो इस माध्यम से आसानी से संजकता निकाल सकते हैं, मक्खन कर सकते हैं, 2 8 8 18 32 इस माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं संजकता। मुझे विश्वास है कि एकदम आसानी से आसान भाषा में ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।